आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कि मास m ऑन अ फ्रिक्शनल स्टेबल इज अटैच्ड टू अ हैंगिंग मास कैपिटल m बाय अ कॉर्ड ऑफ लेंथ l पासिंग थ्रू अ होल इन द टेबल। फाइंड द स्पीड विद व्हिच m मस्ट स्पिन फॉर कैपिटल m टू स्टे एट द हाईएस्ट पॉइंट। If the speed is doubled, what will be the force with which M will press the table? अब अगर हम देखते हैं कि ये हमारे पास है एक सर्कुलर टेबल, अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये एक सर्कुलर टेबल है और इसमें हमारे पास एक मास जो है यहाँ से हैंग कर रहा है और ये एक स्मॉल मास है M, ये एक सर्कुलर पाथ जो है ये ट्रेवल कर रहा है और अगर कैपिटल M को जो है ये बिल्कुल टेबल के नीचे यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट होना है हाईएस्ट पॉइंट पर, तो जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एल। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये टी और ये टी होगा, तो टी हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम जी के इक्वल भी और साथ ही में ये टी हमारा जो होगा ये सेंट्रिपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करेगा यानी कि एम वी स्क्वायर बाय आर, और आर अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास लेंथ होगी कॉर्ड की, तो एम वी स्क्वायर बाय एल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू होगी स्पीड हमें निकालना है तो वो होगी एम वी स्क्वायर बाय एल इक्वल्स टू कैपिटल एम जी, तो वी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम जी एल डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। और अब हमें दिया गया कि इफ दिस स्पीड इज डबल्ड व्हाट विल बी द फोर्स विद विच एम विल प्रेस द टेबल। अब अगर हम स्पीड को डबल कर देते हैं तो हमारा जो कैपिटल एम होगा उस पर जो फोर्सेज होंगे वो होंगी टी और एक यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एन लग जाएगी और एक इसका वेट होगा कैपिटल एम जी, और स्मॉल एम पर जो फोर्सेज होंगी वो होंगी यहाँ पर टी ही होगी, तो इससे हम बोल सकते हैं कि टी जो होगी वो होगी एम वी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ पर अगर हम कैपिटल एम के लिए लिखते हैं तो ये हो जाएगा टी इक्वल्स टू एन प्लस कैपिटल एम जी, और हमें निकालना है कि व्हाट विल बी द फोर्स विद विच एम विल प्रेस द टेबल यानी कि हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमारी हो जाएगी टी माइनस एम जी, और ये एम कैपिटल होगा स्मॉल नहीं होगा, तो टी माइनस कैपिटल एम जी, और यहाँ पर ये टी की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन होगी एन इक्वल्स टू एम वी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर हमारा लेंथ होगा माइनस कैपिटल एम जी, और अब अगर हम वी डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि होगी टू टाइम्स ऑफ वी, वी डैश इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ वी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 कैपिटल एम जी एल मल्टीप्लाइड बाय एम डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एम माइनस एम जी, तो यहाँ पर हम एम एल से एम एल कैंसिल कर सकते हैं और नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम जी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।